हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा छोटा सा डिजाइन बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, चाहे वो बॉर्डर हो, जेंट्स स्वेटर हो, गर्ल स्वेटर हो, लेडी स्वेटर हो, कार्डिगन है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस 2 स्टिच एक्स्ट्रा रहेंगे साइड में। सिलाई के लिए एक एक स्टिच जरूर रखिएगा। जब आप सिलाई करोगे तो आपका डिजाइन खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 6 के मल्टीपल में स्टिचेस लिए हैं, प्लस यहाँ पे मेरा एक जो सेट है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन रो 1 से मैं इसे डिजाइन को शुरू करूंगी। तो डिजाइन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जिससे आपको मेरी सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो शुरू करेंगे डिजाइन को रो 1 से। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को और सारे स्टिच सीधे में बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी रो 1 है। तो इसी तरह से सीधे में बनाते हुए सारी रो को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड कंप्लीट कर ली है और सारे रो सीधे में बनाते हुए कंप्लीट करी है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे तो रॉन्ग साइड सिंपल रहेगी। जिस तरह हमने सारी रो निट करी है उसी तरह से रॉन्ग साइड में सारी रो को पर्ल में करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो सारी सिलाई उल्टे में बना ले। तो रॉन्ग साइड मेरी यहाँ पे सारी सिलाई उल्टे में बन के कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो ये हमारा एक सेट बन गया है। अगेन 2 उल्टे से रिपीट शुरू करेंगे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और फिर से रिपीट करते हुए इसी तरह बनाते जाएंगे और राइट साइड को कंप्लीट करेंगे। 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, अगेन फिर से 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे। लास्ट में सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाएंगे और रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी राइट साइड बन गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड सेम रहेगी, जैसा स्टिच होगा वैसा ही बनाइएगा। तो रॉन्ग साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। अब ये जो हमारा थर्ड वाला स्टिच है, सीधा स्टिच है, इसे हम आगे लाएंगे और इन 2 उल्टे स्टिचेस को पीछे कर देंगे। तो इस तरह से फ्रंट से तीसरे स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापिस लेंगे सिलाई में और 3ों स्टिच सीधे बना देंगे, 1, 2 और 3। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे राइट साइड का ट्विस्ट करा है, सेम लेफ्ट साइड का ट्विस्ट करेंगे। बैक लूप से उल्टे वाले स्टिच अंदर ले आएं और सीधे वाले स्टिच को बाहर कर दें। वापिस लेंगे सिलाई में और 3ों स्टिच सीधे बनाएंगे, 1, 2 और 3। ये हमारा एक सेट बन गया है। इसी को हम रिपीट करने वाले हैं फिर से। तो ट्विस्ट करेंगे, सीधे हमने ट्विस्ट करा था, राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, 2 स्टिच पीछे करें, 1 स्टिच आगे ले आएं और 3ों स्टिच सीधे बना दें। अब लेफ्ट साइड का ट्विस्ट रहेगा, बैक लूप से 2 स्टिच लेंगे, इन्हें आगे लाएंगे और 1 स्टिच को पीछे कर देंगे। वापिस सिलाई में लेके 3ों स्टिच सीधे बना देंगे और अगेन फिर से राइट साइड के ट्विस्ट के साथ रिपीट शुरू करेंगे। तो पहले राइट साइड का ट्विस्ट रहेगा, 2 स्टिच पीछे करें, 1 स्टिच आगे लाएं और 3ों स्टिच सीधे बना दें। अब लेफ्ट साइड के लिए बैक लूप से 2nd स्टिच को और फिर 3rd स्टिच को सीधा बनाएं और उसके बाद 1st वाले स्टिच को सीधा बना के लेफ्ट साइड का ट्विस्ट कंप्लीट करें। और इसी तरह आगे बनाते हुए आपने राइट साइड को कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ पे मेरी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड सारी रो उल्टे में बनाइएगा। तो रॉन्ग साइड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है, सारी रो उल्टे में बनाई है। टर्न कर लीजिए, यहाँ पे हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन रो वन से रिपीट करिएगा डिजाइन को और आगे बनाते जाइएगा। बहुत प्यारा लगता है बना हुआ, जब आप इसे बॉर्डर में या जेम स्वेटर में ट्राई करोगे तो ये बहुत सुंदर आएगा बनके। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगेन रो वन से डिजाइन को रिपीट शुरू करें और इसी तरह आगे बनाते जाइएगा। तो भूलिएगा नहीं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सब्सक्राइब करें, थैंक यू।